अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और ये थर्सडे का मेरा व्लॉग है। तकरीबन 6 बजने में 10 मिनट थे, हम लोग निकले थे, बाहर आए हैं, साथ ही नर्सरी है, तो यहाँ से कुछ प्लांट्स लेने थे। तो मुझे तो यार जल्दी भी थी क्योंकि मैंने इफ्तारी की भी सारी तैयारी करनी थी, लेकिन हस्बैंड कहे थे थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन फिर भी हमें आधा घंटा लग गया था उनके देखते रेट्स करवाते, और फिर इतना टाइम तो लग जाता, लेकिन ये बिल्कुल पास ही है तो इतनी ये भी था घर भी जल्दी पहुंच जाएंगे, कोई ट्रैफिक वगैरह का इशू भी नहीं था। तो चलें आपको नर्सरी दिखाते हैं। ग्रीन ग्रीन हर तरफ ग्रीनरी, और ग्रीनरी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान? रमज़ान आज माशाल्लाह से इस वक्त 14 रमज़ान है। तो नहीं ये देखें कितना, ये वो नहीं है जो आप कह रहे थे? हाँ, अम्मी का बहुत ग्रो किया माशाल्लाह। हाँ ये वही देखो ना, मैं बड़ा लाई थी ना, इनके पास वैरायटी ज्यादा है। अब ज्यादा नहीं होगी बल्कि ये अम्मी का क्रोटन बहुत अच्छा आ गया है। ये भी अच्छा है। नहीं ये उसे पूछे, ये वो मुझे लग रहा नहीं, वो पता होता था कराची चलता है बस, मुझे वो क्रोटन कराची का है ना। हाँ सब इंडोर के लिए थे। इसमें मुझे कैक्टस सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये सब छोटे छोटे जितने भी प्लांट्स हैं ना, ये 600-800 यानी कि इनकी प्राइस थी, और पॉट्स भी इनके प्लास्टिक के थे। ये मुझे है, लेकिन पॉट्स मुझे ऑनलाइन में देख रही हूँ तो वो मैक्सिमम जोन सा ना फिर 23-24 इतनी रेंज में। मुझे इधर से गुजरते हुए ना एक सेकंड के लिए डर भी लग रहा था, क्योंकि इन जगहों पे आपको पता स्नैक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारी सोसाइटी में तो आगे बहुत सीढ़ियों में जोन से मेरे गमले हैं ना वो काफ़ी ख़राब हो गए हुए थे, तो फिर ये हमने यहाँ से गमले भी ले लिए थे, अच्छी क्वालिटी है इनकी। 6:20 पे हम लोग फ्री हो के अब हम लोग जा रहे हैं घर, और जाते ही बस मैं किचन में जाऊँगी और आज मैंने समोसे बनाए हुए हैं वो फ्राई करूँगी। और आज ये है हमारी सिंपल सी इफ्तारी, मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट आलू के समोसे, होममेड और प्याज के पकोड़े, और साथ में बना रही हूँ फ्रेश वाटरमेलन जूस, बहुत मज़े का बना था, इसमें सिर्फ मैंने काला नमक ऐड किया था। अलैकुम जी, जुम्मा मुबारक, और ये है जुम्मे की सहरी। सुबह पराठा बनाते हुए मुझे अम्मी के पराठे याद आ रहे थे, वो बिल्कुल सिंपल पराठा बनाती हैं, कोई बाल वाला नहीं कुछ नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ सब पराठे एक तरफ, मेरी अम्मी के हाथ का पराठा एक तरफ, बहुत मैं मिस कर रही थी। तो बहुत अच्छा पराठा बनता है मेरा भी, लेकिन मुझे अपनी अम्मी के हाथ के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा।
जितना मर्जी सीख लें, जितना मर्जी आप एक्सपेरिमेंट कर लें इतने तरह के, लेकिन आपके अपनी माँ के हाथ का जो सिंपल सा भी खाना ना, वो आपको बहुत अच्छा लगता है। मैं बताया ना, मेरी अम्मी बिल्कुल सिंपल सा पराठा बनाती हैं, लेकिन वो इतना अच्छा होता है। उनको पता है जब मैं अगर नाइट स्पेंड करूँ तो मैं उनके हाथ का खाती हूँ पराठा, भी मेड भी होती हैं, लेकिन मुझे होता है मैं आपके हाथ का। शुरू से मैं नाश्ता कभी भी खुद नहीं बना पाती थी, मेरी शादी के बाद भी जब भी मैंने जाना, उनको पता भी नाश्ता इसने मेरे हाथ का करना है, वरना शायद मैं नाश्ता करती ना। जी हमारी सहरी हो गई है रेडी। हस्बैंड मेरे दही लाजमी लेते हैं, इसमें मैंने दूध ऐड किया है, और चीनी मैं दही नहीं लेती, मैं सिर्फ सालन लेती हूँ, और सहरी रेडी। तवा मेरा बहुत ख़राब हो गया हुआ है, जितनी दफ़ा भी करूँ ना, दो दिन के बाद उसका ना यही हाल हो जाता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले किया, फिर उसके बाद फिर वही हाल है, तो मैं सोच रही हूँ उसको चेंज करूँ, लेकिन पता नहीं उसके बाद भी वो कैसा रहता है। तो चले जी हमारी सैरी होगी, अब हम सैरी करते हैं। हस्बैंड को चाय देने के बाद अपनी लेके मैं लिविंग में आ जाती हूँ, ये मेरी डेली की रूटीन है। और फिर मैं ना क्राम पाक पढ़ती हूँ, जो स्पारा ना वो मैं जोहर से पहले पढ़ती हूँ। इस टाइम मैं यासीन, मुजम्मल, सूरत अजर और सूरत रहमान पढ़ती हूँ, और जो छोटी छोटी कुछ सूरतें हों वो पढ़ती हूँ, और इतना मज़ा आता है ना, साथ साथ मैं चाय पीती हूँ। तो आज ज़रा सहरी मैंने जल्दी कर ली थी क्योंकि हस्बैंड को भूख लग रही थी, तो अभी 2:45 हुए हैं, तो मोस्टली पूरे 3 बजे मैं ना आके सोफ़े पे बैठती हूँ, और मेरी हमेशा से एक ही पोजीशन है जहाँ पे बैठ के मैं क्राम पाक पढ़ती हूँ, चाहे मैं दिन में पढ़ूँ चाहे मैं रात में, तो मुझे वो दूसरी जगह पर पढ़ने में कम्फर्टेबल ही फील नहीं होता। तो चलें जी मैं अब चाय पीती हूँ, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, जुम्मा है, आप सबको बहुत जुम्मे की मुबारक, अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें आसान करे, अल्लाह ताला हम सबको कोरोना से महफूज रखे, और अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।